हरे कृष्णा। सर्वभिंग विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। थोड़ा हम लोग दशावसार अवतार कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नरसिंह देव की महिमा श्रवण करेंगे। आज भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि, थोड़ा कीर्तन उनके विषय में कीर्तन करना बहुत ही अच्छा है, मंगलदायक है, इसलिए कीर्तन करेंगे। दशा अवतार स्त्रोत। प्रलय पयोधि जलिधित वानसी वेदा विहित बहित्र चरित्र मखेदा जय जय केशवधीत मिन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्रीह विपुल तरे तिष्ठति तव इष्टे धरण धरण किन चक्र गरिष्ठे जय जय केशवधीत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बसति बस दसन शिखरे धरणी तब अगना ससन कलंक लेव निबंगला जय जय केशवधीत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नख मदभूत। तब कर कमल बरे नख मदभूत श्रृंगा दलित हिराना कशपु तनु भृंगा केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जय केशवधीत निरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जय केशवधीत निरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बसति बसन शिखरे तब वह शिव पुष्छल शिविक्रमने बलि मदभूत बामन पदनखने मीर जनित जन पाव छलय शिविक्रमने बलि मदभूत बामन पदनख नीर जनित जन पाव जय जय केशवधीत बामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगत भगत पापम स्नपायसे पायसे समित भवतापम जय जय केशवधीत
रघुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बिचरा से दे चुरने दिग्पति कमनिया, दशमुख मौल बनी रमनिया। जय जय केशव धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुष दिश देव सनम जलदाभ, हलहत भेत मिलित जमुनाभम। जय जय केशव धृत फलधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंद से यज्ञ विदेर सुख जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम। जय केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नलच्छनि वहन धने चलयसि कलबालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्। जय जय केशव धृत सफिद कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे, जय केशव धृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जगदेव कबीर जगत तारा, श्रेण सुखदम शुभदम भवसारम। जय जय केशव धृत सस्मित रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय केशव धृत सस्मित रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि 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 बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौरभक्तवृंद इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादहलादायिने हिरण्यकशिपुर्वच्छ शिलाटङ्कनखालये बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवितं नरसिंहमां भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्त भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हो। सर्वभिंग विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो। भक्तराज प्रह्लाद महाराज के श्री चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। भज भक्तराज प्रह्लाद महाराज प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिंद मातृबिंद पितृबिंद सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। आज भक्ति विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान जी का आविर्भाव तिथि, उनके विषय में हमारे गुरु महाराज ग्रंथ लिखे हैं। वाला चरित्र उसमें बहुत से अध्याय है, बहुत से चैप्टर्स हैं। अगर हम सारे चैप्टर्स पढ़ने जाएंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा इतने चैप्टरों को हम पढ़ सकें। जो भी है गुरु महाराज के लिखे हुए चैप्टर में जो संक्षेप में है वह मैं आप लोगों को अवश्य सुनाऊंगा। हमारे परम आराध्य परम करुणा में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्त प्रह्लाद और भक्त ध्रुव चरित्र को कम से कम 100 बार से ऊपर श्रवण किए हैं। गुरुदेव बताते हैं कि अगर भक्ति हृदय में पैदा करनी है, सहनशीलता अगर पैदा करनी है, अगर शुद्ध भक्त बनना है तो ध्रुव चरित्र और प्रह्लाद चरित्र भक्त को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। मैंने गुरु महाराज के पास एजन की शिकायत करने के लिए गया था। गुरु महाराज ने मेरे से बोला कि निंदा करने से तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। और राधाकांत प्रभु को बोला कि ध्रुव चरित्र बुक लेके आओ। राधाकांत प्रभु ने बुक लेके आए और गुरु महाराज ने सुनीति के जो उपदेश हैं उस उपदेश को गुरु महाराज ने मुझे श्रवण कराए। और वहीं पर गुरु महाराज ने बोले इसका हिंदी नहीं है, तुम
इसका हिंदी करो, और भी बोले कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बंगला में बुक है हिंदी भाषी लोग तो समझ नहीं पाते, इसलिए बंगला से हिंदी अनुवाद करने से अच्छा होगा। अगर तुम से कर सकते हो तो करो, मतलब आप आशीर्वाद करें जिससे मैं कर सकूं। इसलिए आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही भक्त ध्रुव बुक तैयार हो करके आ जाएगा, अभी रेडी हो रहा, काम चल रहा है, और भी कई बुकें हैं। तो जो भी है, गुरु महाराज ने जो भक्त चरित्र, भक्त पहला चरित्र जो लिखे हैं, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की चेष्टा करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों को जो भी चर्चाएं होती हैं, अपडेट की जाती हैं, वो आपको उपलब्ध हों, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति देखता है कीर्तन चल रहा बंद कर देता है, चर्चाओं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत तो भगवान की महिमा या भक्तों की महिमा या कोई भी चर्चा करना चाहिए, तो उससे पहले गुरु वैष्णव भगवान का आशीर्वाद कृपा प्रार्थना करके ही चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए थोड़े बहुत गुरु वैष्णव के कीर्तन करके फिर मैं चर्चा करता हूँ। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पूरा देखने के लिए, पूरा वीडियोज़ देखेंगे तो आपको चर्चाएं समझ में आएंगी, और फिर आप उसको श्रवण करके फिर आप आगे की चर्चा भी कर सकते हैं। जब कोई भी आपके मन में अगर भक्ति संदर्भ में कोई मन में प्रश्न आता है, तो आप मैसेंजर में जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैसेंजर में नहीं आने से मैं समझ नहीं पाता। मैसेंजर में मैसेज करेंगे मुझे मिलने से, मैं आपका अवश्य हरिकथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। जो भी है, गुरु महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र जो थे सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार पुत्र हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी प्रथम पुत्र। क्यों इनको मानस पुत्र बोला जाता है, इससे भी इसके विषय में शास्त्रों में है कि ब्रह्मा जब 1000 वर्ष तपस्या करके भगवान का भजन करके तपस्या किए, तपस्या करके जब भगवान का दर्शन प्राप्त किए, तो भगवान ने उनको बोला सृष्टि आरंभ करने के लिए। तो ब्रह्मा जब सृष्टि आरंभ करने के लिए जब विचार किए, तो तपस्या करके आए थे, तो उस भाव से जब उन्होंने सृष्टि आरंभ करना शुरू किया, तो ये चार पुत्रों का सृष्टि आरंभ किया, तो चारों पुत्र तपस्या में चले गए। उनको बोलते हैं तपस्या करो, बोलते हैं सृष्टि आरंभ करो, बोलते हैं मैं सृष्टि करने के लिए थोड़ी आया, मैं तो तपस्या करने के लिए आया हूँ। वो तपस्या करने चले गए, उसके बाद से सबकी सृष्टियाँ स्टार्ट हुई हैं। जो भी है, तो जब ब्रह्मा अलग अलग मनवंतरों की कथाएं होती हैं, तो जब सनत कुमार और चतुसंग एक दिन ब्रह्मा दर्शन करके भगवान का आ रहे हैं, तो भगवान की जो प्रसादी माला है ब्रह्मा के गले में थी, और उस गले में जो तुलसी माला, भगवान की जो मालाएं थी प्रसादी, उसके अगरूर, चंदन, कर्पूर और जो गंध आते हैं सुगंध से, पूरा
रास्ते भर गंध छिटते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा जी, तो रास्ते में सनक चतुसंग से दर्शन हुआ तो बोलते हैं, पिताजी आप इतना सुंदर इतना गंध युक्त माला पहने हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोलते हैं, मैं अपने प्रभु का दर्शन करके आ रहा हूँ, भगवान विष्णु का। बोलते हैं, भगवान विष्णु भी हैं क्या? बोलते हैं, हाँ हैं। तो उस गंध की वजह से सनत कुमार चतुसंग लोग चारों लोग भगवान के धाम में वैकुंठ में गए। और जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जय और विजय नाम के दो पहरेदार हैं, आप लोग तो जानते हैं। तो दोनों पहरेदार ने चतुसंग को, छोटा सा बच्चा, क्योंकि ये लोग उम्र में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े होने के नाते ये लोग भी, ये लोग क्या हैं, बच्चे के जैसा दिखते हैं। उम्र में सबसे बड़े होने के नाते फिर भी ये चारों बच्चे के जैसा, 5 साल के बच्चे के समान दिखाई देते हैं। और जब भी बच्चे के समान हो, जब वहाँ पर पहुँचे तो जय विजय उनको रास्ते में रोक लिए और रोक करके बोलते हैं, आप कहाँ से आए हैं? बिना आदेश के आप अंदर क्यों जा रहे हैं? तब सनत कुमार आदि बहुत चेष्टा करने के बाद भी भीतर जब नहीं जा पाए तब बोलते हैं, अरे मूर्खो, तुम लोग जहाँ पर बैठे हो वो अभिमान के कारण मत तो हो रहे हो, यह बैकुंठ है, यहाँ पर तो बैकुंठ कुंठा धर्म नहीं है, तो तुम लोगों के अंदर कुंठा धर्म कहाँ से आया? बैकुंठ में तो कुंठा धर्म नहीं है, इस 14 भुवन में कुंठा लोक है, बैकुंठ में तो कुंठा धर्म है ही नहीं है, तो तुम तो आए कहाँ से यहाँ पर? तुम्हारा का स्थान किस लिए हुआ यहाँ पर? इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम रजोगुण और तमोगुण की वजह से भगवान मधुसूदन के पाद पद्मों के रहने के लायक नहीं हो, तुम लोग असुर योनि को प्राप्त होकर के धरती पर जाओ। जब श्राप उनको अभिशप्त हो गए तो जय विजय जब बैकुंठ से भ्रष्ट होने लगे तो है भी तो साधु वैष्णव है ये भी लोग भी, तीन लोगों के हृदय में दया आ गई। तो जाते जाते बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग 3 जन्म में तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उसके बाद भगवान आकर के उन लोगों का स्वागत वगैरह किया, भगवान का दर्शन किए, इन्होंने बहुत ही महिमा भागवत में वर्णन है। फिर भी जब इस प्रकार से हुआ, जब वो अधपतित हो गए तो किसके गर्भ में आएंगे ये लोग, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं। तब दिति अदिति जो हैं देवताओं की पत्नी है, माँ है, सॉरी देवताओं की माँ है, और दिति जो हैं वो असुरों की माँ है। असुर और देवता दो सृष्टि है, तो दिति से असुर हैं और अदिति से देवता लोग की सृष्टि है। तो दिति के गर्भ से इन लोगों की सृष्टि हुई है, जय ये हिरणाक्ष और हिरणकश्यपु और हिरणाक्ष की। हिरणकश्यपु बड़ा था और हिरणाक्ष छोटा था। हिरणाक्ष इतना पहलवान था कि उसके समान योद्धा संसार में चाहे त्रिभुवन में कोई नहीं था। वो जहाँ भी जाता था सबसे मल्ल युद्ध करने के लिए, गदा युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देता था, लेकिन कोई उसके सामने टिकता नहीं था। ऐसे करते करते तो भगवान ने जब उनको बोला ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि करिए, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु मैं सृष्टि कहाँ करूँ, धरती तो है ही नहीं है, धरती को असुरों ने रसातल में ले जाकर रख दिया है, इसलिए सृष्टि करने के लिए तो स्थान चाहिए। तब ब्रह्मा जी के देखते देखते
भगवान के नाक से बरहा रूप से भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते विशाल रूप धारण किए। ब्रह्मा जी ने बताया उनको कि रसातल में है, तो रसातल से जाकर के बरहा भगवान पृथ्वी को ठोड़ पर रखे, अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को स्थापित की और लेके आ रहे हैं। और इधर नारद जी रास्ते में आ रहे हैं, हिरण्याक्ष के साथ मुलाकात हो गई। हिरण्याक्ष को बोलते हैं कि आप युद्ध करो। हिरण्याक्ष बोलता है आप युद्ध करो। बोलते हैं मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपसे युद्ध करने के लिए रसातल में जाओ, वहाँ पर भगवान बराहदेव धरती को लेके आ रहे हैं, उनके साथ युद्ध करो आप। जब उसने सुना कि रसातल से धरती को लेके आ रहे हैं, तब हिरण्याक्ष रसातल में गया और देखा बीच में भगवान आ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, मैं धरती को स्थापन कर दूं, फिर मैं तुमसे युद्ध करता हूं। तो भगवान आगे आगे आ रहे हैं, पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष आया और भगवान ने जहाँ पर धरती का स्थापना किया वहाँ का नाम है सोरो। वो अलीगढ़ में है सोरो, वहाँ पर तीर्थ स्थान है, वहाँ पर कुंड है, वहाँ पर भगवान ने धरती को स्थापन किया। और वहाँ पर भगवान ने अपने शरीर को, जो जैसे शुकर जब पानी में भीग जाता है तो शरीर को झाड़ता है, तो उसके पानी से पानी उसके शरीर से निकल जाता है, उसी प्रकार से पानी से निकले हुए थे भगवान ने। तो अपने रोम था शरीर में, तो रोम टूट करके जो जमीन पे गिरा वह कुसा हुआ, जो इसलिए कुश को शुद्ध माना जाता है क्यों भगवान का शरीर का रोम है। उसके बाद भगवान ने जब वो भगवान लेके आ रहे थे उसी समय धरती गर्भवती भी हुई थी, इसलिए नरकासुर का जन्म हुआ था। और उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि जो है हमारे भाई का वध हो गया, और वध का समाचार सुनकर के हिरण्यकश्यप इतने गुस्से में हुआ कि उसके दांत ओठ सब कट 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 करने लगे और आँखों से आँख लाल लाल हो गया। भाई मरने के बाद तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से होगा, तो वो आँख उसका लाल लाल हो गया, आँखों से धुआं निकलने लगा और धुएं से पूरा चारों दिशाएं अंधकार सा हो गया। दांते भिरुगटे उसकी डरावने रूप धारण करके रखी थी और इस रूप में वह होकर के वह अपने जो सहचर हैं उन लोगों को बोलता है, हे दुर्मुद्ध, हे त्रच्छ, हे संबर, हे सतबाहो, हे हैग्रीव, नमूचे, पाक, इल्बल, विप्रचित्ते, पुलोचन, हे शकुन, हे दानो, तुम लोग जाकर के क्षण भर की भी देरी मत करो, जाओ मेरे आज्ञा के अनुसार। तुम लोग आजकल मेरे क्षुद्र शत्रु जो हैं, शत्रुओं ने मेरे परम सुहृद जो छोटा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया है, और भगवान जो श्री हरि हैं आजकल उनके अंदर जो समदृष्टि है वह समदृष्टि उनके अंदर नहीं रह गई है, वो देवताओं के निमित्त होकर के मेरे सत्वों की सहायता कर रहे हैं, इसलिए भगवान समदर्शन का अब स्वभाव नहीं रह गया। उनके वह तेजोमय शुद्ध होने के बाद भी मायावश वह क्या हुए हैं, बराह मूर्ति धारण करके लोभी बालक की भांत अस्थिर चित्त हो गए हैं। मैं शूल द्वारा उनका गर्दन धड़ से अलग करके उनके रक्तों के द्वारा अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरी मनोवेदना दूर होगी। इस प्रकार से वो बोलता है और आगे बोलता है, तुम लोग जाओ
पेड़ का मूल छेदन करने से जैसे शाखा प्रशाखा पत्ता फल फूल सब सूख जाते हैं, उसी प्रकार मेरे शत्रु जो विष्णु हैं उनके मारे जाने से विष्णु प्राण जो देवताओं लोग हैं सारे के सारे अपने आप विनष्ट हो जाएंगे। तब मैं विष्णु का संहार, जब तक मैं विष्णु का संहार नहीं कर लूँगा तब तक तुम लोग तपस्या यज्ञ वेदाध्ययन दान आदि धर्मपरायण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मनुष्यों का संहार करते रहो। ये असुरों का काम है संहार करना, और ब्राह्मणों की यज्ञ सक्रिया के मूल हैं विष्णु। विष्णु ही यज्ञेश्वर एवं देवता हैं, ऋषि पितर भूतों और धर्म के आश्रय भी हैं वही। विष्णु दुर्बल ब्राह्मणों का वध करने से यज्ञ आदि बंद हो जाएंगे। जब ब्राह्मणों का वध होगा, पुजारियों का वध होगा, ब्राह्मणों का वध होगा तो विष्णु दुर्बल हो जाएंगे और दुर्बल हो करके बिना नाश हो जाएगा उनका। घास इत्यादि खाने वाली जो गायें हैं, खाके घास खाके जीवित रहने वाली जो गायें हैं, उन गायों से घी उत्पन्न होता है और उसी घी के द्वारा ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा विष्णु की सहायता के लिए विष्णु को आहुति प्रदान करते हैं। इसलिए तुम लोग जाकर के जिससे विष्णु की शक्ति बढ़ती है, इसलिए तुम लोग पेड़ आदि को निर्मूल करके फेंक देना और जहाँ तहाँ गाय ब्राह्मण वेद और वेदभीत वर्णाश्रम उचित क्रिया देखने को मिले वहाँ तहस नहस कर देना और जैसे तैसे स्थान को बर्बाद कर देना। इस तरह से दानव तो असुर लोग तो स्वाभाविक रूप से वह उनकी जाति ऐसी है कि उत्पाती हैं और शांति से रहने वाले नहीं हैं। जहाँ भी रहेंगे वो अपना स्वभाव तो दिखाएंगे। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ने उनको आदेश दिया तो और आनंदित हो गए और उन्होंने क्या किया, प्रजापीड़न में लग गए। प्रजापीड़न में जाकर के क्या करते हैं, नगर ग्राम गौशाला बगीचा धान के खेत वन ऋषि आश्रम रत्न स्थान किसानों के रहने का स्थान दो पर्वतों के बीच गांव ग्वालों की बस्ती राजधानी आदि जो कुछ भी था सबको विनष्ट करने लगे। किसी किसी दानों ने बड़ी बड़ी दैती लेकर के और फावड़े लेकर के पुल नगर की दीवारें नगर के द्वार ध्वंस कर दिए। कोई कोई कुल्हाड़ी से आम के कटहल के इत्यादि के जो फल फूल देने वाले जो पेड़ हैं उसको काटने लगे। इस प्रकार कुछ से दानों लोग क्या करने लगे, जलती मसाल लेकर के उत्साह के साथ प्रजाओं के घर को जलाने लगे। आजकल जो होता है देखने को मिलता है हिरण्यकश्यप के अनुचर दानों द्वारा इस प्रकार बारंबार पीड़ित होते रहने से प्रजा के यज्ञ कार्य आदि सब भीषण विघ्न हो गया उपस्थित हुआ और यज्ञ भाग को न प्राप्त पाकर के देवता लोग छोड़ करके भाग गए। देवता लोगों की यही सृष्टि है, देवता लोगों का यही है कास। जब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो स्वर्ग को छोड़ के भाग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि स्वर्ग में जाके वास करें। नित्य जहाँ वास मिलेगा वहाँ उनकी पूजा नहीं करेंगे, देवी देवताओं की वास करेंगे जहाँ से छोड़ के भागना ही पड़े। कोई भी देवता असुर सिद्धि करके प्राप्त करके और उसको भागाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से देवताओं के ऊपर अत्याचार हुआ और वहाँ से उन्होंने छोड़ के भाग आए। इधर जो थी हिरण्यकश्यप की जो पत्नी, बहुत ही सुनने वाली कथा है, बहुत ही ध्यान से श्रवण करने वाली कथा है। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी भानु, वो अपने पति के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। शकुनी संबर दृष्टि भूत संतापन बिक कालनाभ महानाभ रसमस्नु और उत्कच्छ, हिरण्यकश्यप के पुत्र भी पितृशोक में अधीर थे। स्वाभाविक रूप से जिसका पिता मर जाएगा
और स्वाभाविक रूप से कोई तो खुशी तो नहीं मनाएगा, तो दुखी रहेगा। हिरण्यकश्यपु ने भाई का क्रियाकर्म वगैरह किया करके वह अपने भाई की पत्नी के पास गया और उनको सांत्वना देते हुए हिरण्यकश्यपु ने बोला, हे माता, हे पुत्रवधू, आजकल तो भाई, छोटे भाई की बहुओं को बहुत से बड़े भाई हैं जो अपनी ही बहू मानते हैं, बहू से अगर देखा जाता है। ससुर भी ऐसे हैं जो, क्योंकि आजकल जो फेसबुक पर जो मूवीज ऐसे ऐसे दिखाई जाती हैं जिससे हमारे संस्कार सर्वनाश की रास्ते पर लिए जा रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे जो फेसबुक पर ऐसे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे ऐसे मूवीज दिखाते हैं जो हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति को नाश कर रही हैं। तो बोलते हैं, हे पुत्रों, मेरे वीर भाई के लिए शोक करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वीर पुरुष के लिए आमने सामने युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त होना ही अच्छा है, क्योंकि वीर पुरुष की कामना यही होती है कि आमने सामने युद्ध करके ही मृत्यु को प्राप्त हो। और उपदेश क्या, हिरण्यकश्यपु का एक उपदेश जो है बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सटीक हम लोगों पर बैठता है, इसको सुनने लायक है। इसके विषय में हिरण्यकश्यपु बताते हैं कि बोलता है उन लोगों से कि इस संसार को धर्मशाला की बात समझो। हम समझते हैं, हम तो अपने घर को अपना घर ही समझते हैं, धर्मशाला नहीं समझते। हमने घर बनाया अपना ही समझते हैं, माया में ऐसे फंसे हुए हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु असुर होने के बाद भी, क्योंकि स्वभावगत और भगवान का पार्षद है, स्वरूप में वह भगवान का पार्षद है, इसलिए वो उसकी ज्ञान जो है कहीं ज्ञान ही, लेकिन श्राप के कारण असुर स्वभाव उत्पन्न हुआ उसके अंदर। असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तीन चार चीजें जिसके अंदर ज्यादा हो जाती हैं वही असुर हो जाता है, और कोई असुर नहीं है। क्योंकि वो तो हिरण्यकश्यपु तो ऋषि का खानदान है, ऋषि पुत्र है, तो असुर कैसे हो सकता है? लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसके अंदर ज्यादा भर जाता है वही असुर होता है। आजकल संसार में ज्यादा से ज्यादा असुरता यही से ही दिखाई देता है, ज्यादा ज्यादा असुर भाव दिखाई देता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के अनुगत होकर के असुर भाव में बैठे हुए हैं, असुर भाव अवलंबन कर रहे हैं, यही आजकल संसार में देखने को मिलता है। इसलिए असुर होने के बाद भी हिरण्यकश्यपु ने क्या बता रहा, इस संसार को धर्मशाला की भांति समझना चाहिए। जैसे विभिन्न स्थानों से यात्री धर्मशाला में आकर मिलते हैं और फिर बिछुड़कर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, वैसे ही सब प्राणी अपने कर्मानुसार इस संसार में एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, और फिर कर्म के द्वारा ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सब कर्म बंधन के कारण ही होता है। आत्मा जीव का स्वरूप है, आत्मा जो है जीव का स्वरूप है। जीव हमें क्यों बोला जाता है? हम तो आत्मा हैं, लेकिन हमें जीव क्यों बोला जाता है इसके विषय में भी जानना चाहिए। मैंने जीव का जो नित्य धर्म चल रहा हमारा जीव धर्म, उसमें हमने बोल चुके हैं, जिसको जानना होगा हमारे पुराने वीडियो में जाएगा वो जान लेगा। तो जीव बता रहे, आत्मा जो है जीव का स्वरूप है, वह शरीर से अलग है। आत्मा जो है शरीर से अलग है, शरीर की भांति उसका विनाश नहीं है। आत्मा का शरीर की भांति उसका विनाश नहीं है। आत्मा नित्य अपक्षय रहित है, आत्मा जो है नित्य है
और अपक्षय रहित है, छह प्रकार के जो शरीर में दोष हैं वह दोष आत्मा के अंदर नहीं है और निर्मल है, उसके आत्मा के अंदर कोई मल नहीं है, सर्वगत है, सब जगह है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है आत्मा। आत्मा में सुख दुख आदि नहीं है, आत्मा में सुख दुख आदि जो है भाव नहीं है, ये सुख दुख आदि जो भाव हैं ये मन बुद्धि के हैं, ये शरीर आत्मा के नहीं है। किंतु जीवात्मा अविद्या से ग्रस्त होने के कारण सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार ही सुख दुख आदि का अनुभव करता है। यहां बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है अविद्या माया से ग्रसित होने के कारण सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार है उसके द्वारा सुख दुख आदि का अनुभव करता है, इसलिए आत्मा की मृत्यु हुई है। इसलिए बता रहे हैं आत्मा की मृत्यु हुई है या आत्मा को कोई क्लेश हुआ है ऐसा सोचकर शोक करना अज्ञान मात्र है। कि आत्मा को दुख हुआ है, सुख हुआ है, या आत्मा की मृत्यु हुई है, या आत्मा को क्लेश हुआ है, ऐसा सोच करके शोक करना एकमात्र अज्ञानता है। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकश्यपु बोल रहा है। जैसे जल बता रहे हैं, जैसे जल हिलने डुलने से उसके किनारे पर स्थित पेड़ का जल में पड़ रहा प्रतिबिंब चंचल हो जाता है, जैसे जल के किनारे पेड़ है और जब पानी हिलता है तो स्वाभाविक रूप से जो उसकी छाया पड़ती है पानी में वो भी हिलता है, तो वह प्रतिबिंब चंचल हो जाता है, जो उसका छाया वह भी चंचल हो जाता है। एक ही स्थान पर चक्कर लगाता हुआ व्यक्ति जब घूमता है तो उसकी आंखें घूमने से उसे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूम रही है। बता रहे हैं कि एक ही स्थान पर मनुष्य है, खड़ा है, लेकिन जब वो घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी नहीं घूमती है। वैसे ही जब मन त्रिगुण सत्व रज तम के द्वारा चंचल हो जाता है तो जीवात्मा जो कि वास्तव में शोकादि विकारों से व सूक्ष्म देह से रहित है स्वयं को विकारी और मनोधर्मी रूप से विचार करती है। तो जब वो बता रहे हैं कि रजो और तमो गुण से सतगुण से चंचल हो जाता है शरीर मन, तो अपने आप को जीवात्मा शोक आदि विकारों से अपने आप को सूक्ष्म देह से रहित समझती है, स्वयं को विकारी और मनोधर्मी रूप से विचार करती है और स्वयं को क्या करती है, अपने आप को मनोधर्मी रूप से विचार करती है। जीव को जितना भी दुख मिलता है वह शरीर को आत्मा बुद्धि समझने के कारण ही मिलता है। कितनी अच्छी तरह से समझा रहा है हिरण्यकश्यपु अपने भाई के पुत्रों को, माँ को और अपने भाई के पत्नी को, कि जीव को जितना भी दुख मिलता है वह शरीर को मिलता है, आत्मा बुद्धि शरीर को आत्मा और बुद्धि समझने के कारण मिलता है। यानी जो सुख दुख मिलता है, शोक आदि मिलते हैं, वह शरीर को जब हम आत्मा और बुद्धि समझते हैं तब हमें वह दुख कारण होता है, यही कारण होता है। शरीर में आत्मबुद्धि करके शरीर संबंधी प्रिय वस्तु के संयोग और अप्रिय वस्तु के वियोग से सुखानुभव तथा प्रिय वस्तु के वियोग और अप्रिय से संयोग से दुख अनुभव करता है। बता रहे हैं शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण उससे संबंधित जो वस्तु है उसके मिलने से और अप्रिय वस्तु संयोग से अपने वस्तु के संयोग और अप्रिय वस्तु के मिलने से सुख अनुभव होता है तथा प्रिय वस्तु के वियोग से अप्रिय दुख का अनुभव होता है। शरीर में आत्मबुद्धि बुद्ध के कारण ही कर्म की उत्पत्ति होती है। जब शरीर में हम या जीव आत्मबुद्धि का बोध करता है तो वहीं पर
कर्म की उत्पत्ति होती है और गर्भवास यंत्रणा प्राप्त होती है। और बता रहे हैं तब उसको, जब कर्म की उत्पत्ति होती है तब उसको जो है गर्भ यंत्रणा प्राप्त होता है। और कर्म ही संसार का मूल है, कर्म ही इस संसार कारागार में लाने का मूल है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है। बहुत से ज्ञानी लोग बोलते हैं ना कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। ऐसा नहीं है, कर्म ही संसार बंधन के कारण का मूल है। हम नहीं बोल रहे, हिरण्यकश्यपु जो दानव था, असुर था, वह बता रहा है। इसलिए बताते हैं इससे जन्म मृत्यु अविवेक चिंता और बहुत से शोक आकर उपस्थित हो जाते हैं। जब जन्म गर्भ यंत्रणा प्राप्त होती है और कर्म बंधन संसार का बंधनों का मूल है, संसार कारागार में लाने का मूल है कर्म, तो उससे क्या होता है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वह बंद नहीं होता है और अविवेक उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न नहीं होता, अविवेक उत्पन्न होता है और चिंता और बहुत से शोक आकर उपस्थित जाते हैं। चिंता भी और बहुत से शोक आकर के हमारे मन में आके उपस्थित हो जाते हैं। बता रहा है कि यदि कभी क्षण भर के लिए विवेक ज्ञान की स्फूर्ति हो भी जाती है तो अगले ही क्षण कर्म चक्र की घूमने के कारण उसकी विस्मृति हो जाती है। बता रहे हैं कि यदि कभी कभी क्षण भर के लिए हमारा ज्ञान उत्पन्न होता भी है तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ी क्षण के बाद, थोड़ी ही देर के बाद क्या हो जाता है, कर्म चक्र के घूमने के कारण हम उसको भूल जाते हैं। और इस विषय में एक मृत व्यक्ति के बांधों के साथ यमराज को जो वार्तालाप हुआ है वह पुराना इतिहास में तुमसे कह रहा हूँ। बता रहे इसके विषय में एक मृत व्यक्ति के बांधों के साथ जो यमराज के साथ वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, वह पुराना इतिहास मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। बताते हैं उसी नर देश में सुयज्ञ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। यह बहुत ही सुनने के योग्य है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो टाइम नहीं है। वहाँ पर बताते हैं कि शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण में स्वयं का मृत्यु हुआ और मृत्यु होने के कारण शरीर में बाणों से विद्ध हो गया शरीर और उनकी जो छत्र थे, जो शरीर में जो कवच वगैरह था, सब छिन्न भिन्न हो गया था और नेत्र में उनके तेज था इतना और होठों को, नेत्रों का तेज खत्म हो गया था और होठों को दांतों से गुस्से में दबा के रखे हुए थे। इस प्रकार से वह उन पड़े हुए थे धरती पर और जब उनके जानने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे तो अपनी छाती पीट पीट करके, चीख चीख करके चिल्लाने लगे, हे नाथ, हे प्राणनाथ, तुम कहाँ चले गए हमें छोड़ करके, जो प्रजाओं को सुख देने वाले, प्रजाओं को आनंद प्रदान करने वाले, तो आप कहाँ चले गए, हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। जैसे माताएं घर में विलाप करती हैं उस प्रकार से विलाप कर रही हैं और उनकी जो सुंदर वेश अलंकार वगैरह हैं सब छिन्न भिन्न हो गए स्त्रियों के, तो इस तरह से वह विलाप करती हैं। तो जब संध्या हो गया, राजा के परिवार के लोग उनको छोड़ नहीं रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, तब यमराज वहाँ पर आकर के उनको समझाते हैं। यमराज केस किस प्रकार से है, उनके सामने बच्चे का रूप धारण करके आए, 5 साल के बच्चे के रूप में, और उनको समझा रहे हैं और समझाते हुए कहते हैं, ओ यह कैसा आश्चर्य है, ये उम्र ने मुझसे बड़ी होने के पर भी व्यर्थ में शोक कर रही हैं।
शोक नहीं करना चाहिए, ये हर समय ही तो किसी न किसी को आना जाना देख रही है, सब समय लोग, हम लोग तो सब समय देखते हैं, सब शान में आने आते जाते रोते हैं, जो रास्ते में बैठे हैं यहाँ पर वो सब समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सुनते रहते हैं, आते जाते रहते हैं लोग, फिर भी ये लोग मरणशील के लिए शोक कर रही हैं, जो मरणशील जीव हैं उनके लिए शोक कर रही हैं, बता रहे हैं इनको भी मर रहे हैं, फिर भी कैसी दुरावस्था है इन लोगों की, कैसी मोह है, कितना जबरदस्त मोह है इनका, जो एक मरणशील व्यक्ति के लिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए इस प्रकार से शोक कर रही हैं। मनुष्य जिस स्थान से आता है, जन्म लेता है, वहीं पे तो जाना हो उसको, इसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है, यह जानकर भी व्यर्थ शोक करती है। मुझ जैसे बालक की तो इतनी भी सी बुद्धि है, इनकी यह भी बुद्धि नहीं है, मेरे जैसे बालक की इतनी बुद्धि है और इनकी इनकी इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी अपेक्षा मैं ही धन्य हूं। तब उन्होंने एक व्याघ्र एक पक्षी की कहानी बताए जमराज जी ने, कि एक शिकारी था, वह शिकार डालता था, जहाँ पर पक्षियों वगैरह को देखता था वहाँ पर शिकार अपना फैलाता था, जाल बिछाता था, और जो जिस पक्षियों को जो चीज़ अच्छा लगता था वो चीज़ डालता था। तो कुलिंग पक्षी थी, तो उन दोनों पौधों को देख करके उसने उसके खाने के अनुसार उसको डाला और जाल बिछा दिया, और उसकी जो पत्नी थी वह मैं थोड़ा आगे बढ़ गया पीछे जाते हैं जमराज ने बताते हैं कि पिता माता के द्वारा हम इस संसार रूपी दुख के सागर में गिरे हुए हैं। पिता माता के द्वारा ही हम इस संसार रूपी सागर में गिरे हुए हैं। दुर्बल और बालक अवस्था में ही हमारी कौन रक्षा कर रहा है? दुर्बल और बालक रूप अवस्था में हमारी कौन रक्षा कर रहा है? जिनके रक्षा करने से व्याघ्र जो हिंसक जानवर हम लोगों को कभी नहीं खाया, और जिनकी रक्षा करने से मातृगर्भ में हम जीवित हैं, वह अविनाशी प्रभु हमारी सर्वत्र रक्षा कर रहे हैं। हे अबलागन, जिन परमेश्वर की इच्छा से इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार हो रहा है, उन अविनाशी परमेश्वर के निकट यह सारा जगत एक सामान्य खिलौना के जैसा है। वे सृष्टि और संहार इन दोनों कार्यों में समर्थ हैं। मार्ग में यदि किसी की कोई वस्तु पड़ी हो और उसकी रक्षा ईश्वर अगर करते हैं, उसको चुरा नहीं कोई सकता। अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो कोई भी लेके जा सकता है। अगर रास्ते में पड़ी हुई वस्तु भी इंसान को मिल जाती है, और गुप्त रखी हुई चीज वो भी चोरी हो जाती है। इस तरह से उनकी कृपा से वन में निसहाय अवस्था में पड़े व्यक्ति भी की भी जीवन रक्षा हो जाती है, तथा उनकी अपेक्षा घर में रहने वाले सुरक्षित व्यक्ति भी मृत्यु मुख में जा गिरता है, और वन में रहने वाले की रक्षा हो जाती है, और जो घर में रहता है उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अपने कर्म के अनुसार ही शरीर प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार बताते हैं। और सारा संसार क्या है? कर्म के अंदर ही सार रह करके और सब विनष्ट हो जाता है। शरीर की जन्म स्थिति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और नाश, यह छह विकार हैं शरीर के। आत्मा स्थूल सूक्ष्म इन दोनों शरीरों से अवस्थित होने पर भी इसका जन्म ग्रहण आदि धर्म नहीं है। आत्मा जो है दोनों शरीर के अंदर रहने के बाद भी
इसका जन्म और ग्रहण आदि नहीं है। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, आत्मा जो है शरीर से अत्यंत भिन्न है। इसके विषय में पहला बता चुका हूँ पहले। केवल मोहग्रस्त होकर ही जीव स्वयं को भौतिक देह समझता है। तो संसार में का मोह उसको जकड़ लेता है, जिसके कारण जीव अपने आप को भौतिक के संसारी शरीर समझता है। जल, पृथ्वी और तेज आदि की अंश से मनुष्य के शरीर का गठन होता है, फिर भी कालक्रम से उनके अपचय होने से परिणाम वस्तः शरीर विनाश हो जाता है, किंतु आत्मा का विनाश नहीं है। यह उनको समझाते हैं। समझाते के बाद उनको बहुत प्रकार से समझाया। समझाने के बाद किसी तरह से उन्होंने माना, समझा हो गया था, मान गया। मानने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर संस्कार किया गया। इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या को चला गया कि मैं जब तक तपस्या करके नहीं आऊं तब तक तुम लोग उत्पात करते रहना। और उसने 50,000 साल तपस्या किया। अब सोचेंगे आप लोग, 50,000 साल तो आयु नहीं है, तो 50,000 साल तपस्या कैसे किया? तो सतयुग में जो आयु थी मनुष्यों की वह 1,00,000 साल थी, त्रेता में 10,000, कलयुग में एक, इस द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल। वो अंगूठे के बल तपस्या करना आरंभ किया। ऐसा तपस्या किया जैसा तपस्या जीवन में धरती पर कोई नहीं कर सका, न कर सकेगा। इधर देवता लोग जब जाने कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया है, तो कयाधु को अपहरण करके असुरों को मार करके कयाधु को अपहरण करके लेके जा रहे हैं। नारद जी के साथ मुलाकात हुआ। नारद जी देवताओं को बोलते हैं, तुम इसको अबला को कहाँ लेके जाते हो? तो देवता लोग बोलते हैं, उसमें से इंद्र जो प्रधान है देवताओं के, वो बोलते हैं कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल्ला है, हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा असुर है जिससे तीनों लोग कांपता है, और इसके गर्भ में जो बच्चा पल्ला उससे तो ये तो और बड़ा असुर होगा, इसलिए इसका गर्भपात करके इसको छोड़ देंगे। नारद जी बताते हैं कि तुम जिस को मारने के लिए लेके जा रहे हो वो भगवान का प्रिय भक्त है, जिसके द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध होगा, तुम लोग इसको छोड़ दो। जैसे ही उन लोगों ने सुना कि भगवान का प्रिय भक्त है, वैसे ही कयाधु को छोड़ दिए। और कयाधु का परिक्रमा किए 4 बार। क्यों परिक्रमा किए? वो तो असुर पत्नी है। नहीं, असुर पत्नी होने के बाद भी उनके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इस कारण से देवताओं ने उनका परिक्रमा किया और प्रणाम करके चले गए। देव कयाधु बोलती है, नारद जी आपने तो इन देवताओं से मुझे तो मेरी रक्षा की, अब मैं अगर घर पर जाऊंगी तो कोई और देवता आकर के, कोई और लोग आकर के आक्रमण करेगा, कोई और लोग आके मुझे लेके जाएगा, इसलिए आप एक काम करिए, आपने मेरी रक्षा की है, बच्चे की रक्षा की है, तो आप अपने आश्रम में लेके चलिए, वहाँ पर मैं रहूँगी, जब तक हमारे पति आते नहीं तब तक रहूँगी। अरे ठीक है, चलो। आश्रम में गई तो बैठ के तो खाएगी नहीं, वो तो सेवा पूजा, कपड़े साफ करना, पोछा लगाना, झाड़ू देना, जो कर्म है वो अपना करती थी। तो नारद मुनि जब हरिकथा करते थे तो डेली हरिकथा होती थी। जब हिरण्यकश्यपु का आने का टाइम हो गया, तब वो कयाधु बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, हिरण्यकश्यपु आने वाले हैं। तब उन्होंने बोले कि देखो, जो मैंने तुम्हें सुनाया उसको याद रखना। कयाधु बोलती है, मैं तो नारी जाति और मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, और मेरी धी शक्ति इतनी तेज नहीं है कि मैं इसको धारण कर सकूं, याद रख सकूं।
आप कृपा करके मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सुनी हुई जो भी बात है सब उसको याद रहे। इसलिए गर्भ में जब बच्चे पलते हैं तो उस समय भगवान की कथाएं करनी चाहिए। आजकल माताएं बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल सब समय यूज़ करती हैं, गेम खेलती हैं, मोबाइल वगैरह चलाती रहती हैं। इसलिए बच्चे भी जैसे हम गर्भ में बच्चे को लेकर के हम कर्म करेंगे बाहर में, उसी अनुसार बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। घर में बच्चा है, कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर में ध्यान रहेगा, कंप्यूटर की तरफ जाएगा मन, भगवान की तरफ नहीं जाएगा, संसार में मन जाएगा, मोबाइल में मन जाएगा, तो बच्चे भी उसी प्रकार से पैदा होंगे। भगवान के भक्त कहाँ से होंगे? इसलिए कयाधु ने हम लोगों को शिक्षा दी कि गर्भ यंत्रणा में बच्चे जब पेट में होते हैं उस समय भगवान की चर्चा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे संस्कारी बच्चे जन्म लें। और जब भगवान की चर्चा, भगवान की कथा जब नहीं सुनेंगे तो संस्कारी बच्चे जन्म नहीं ग्रहण करेंगे, तो दुष्कृति, उत्पाती, आतंकवादी, माँ बाप को केयर न करने वाले संतान ऐसे ही जन्म लेंगे। क्योंकि हम जैसे वातावरण में उसको पालेंगे उसी वातावरण में ही हमें मिलेगा और फल मिलेगा। इसलिए साधु ने शिक्षा दी हम लोगों को, उस शिक्षा के अनुसार गुरु महाराज बताते हैं कि कयाधु के अनुसार अगर हम चलें तो हमारा कभी भी संस्कारी बच्चा खराब नहीं होगा। तो जब वो घर पे आई, घर पे आने के बाद तब वो, क्योंकि वो वरदान उनसे नारद जी से प्राप्त की थी कि जब तक आपके गृह में रहूं, आपके आश्रम में रहूं, आपका आश्रम अपवित्र ना हो, इसलिए आप वरदान दीजिए कि मेरा जो बच्चा है मेरे पेट में रहे, मैं अपने घर पर जा कर के प्रसव करूं। तो जब तक वो घर पर, हिरण्यकश्यप घर पर नहीं आया तब तक वो आश्रम में थी, और आश्रम में आने के बाद उन्होंने प्रसूति हुई उनकी। उसके बाद जब वो प्रहलाद महाराज बड़ा होना शुरू हुए तब योग्य हो गए गुरुकुल में जाने के, तो गुरुकुल शिक्षा उनकी आरंभ हुई। और गुरुकुल शिक्षा आरंभ होने के बाद उनको शिक्षा दी गई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज गए गुरु की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके शिष्य संडामर्क, क्योंकि अब जो पढ़ाई चल रही है संसार में धर्म अर्थ, पहले तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की पढ़ाई होती थी, अब धर्म की तो पढ़ाई होती नहीं है, अब अर्थ और काम की पढ़ाई होती है। धर्म को बाद दिया गया, धर्म को छोड़ दिया गया और मोक्ष को छोड़ दिया गया। आज की जो संसार की शिक्षाएं हैं उसमें धर्म को छोड़ दिया गया और मोक्ष को छोड़ दिया गया। कौन सी शिक्षा हो रही है? पैसे किस प्रकार से कमाएं और कामना वासना किस प्रकार से हमारी पूर्ति हो, इसी विषय में पढ़ाई आजकल संसार में चल रही है। और जो टीचर लोग हैं उनको भी वेतन दे के पढ़ाया जा रहा है, जो वेतन गवर्नमेंट देती है, और अगर वो गवर्नमेंट की किताब के अनुसार उसको नहीं पढ़ाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए वो अलग से नहीं पढ़ा सकते, ये सतयुग से चलता आया है। पहले हमारे गुरुकुल होती थी, गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई होती थी, असुर लोग अर्थ और काम की शिक्षा लेते थे, लेकिन अब की जो पढ़ाई हो रही है वो सेम असुरों की पढ़ाई हो रही है। खैर, भगवान रक्षा करें,
धीरे धीरे धार्मिक धीरे धीरे लोग हो रहे हैं, धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। भगवान कृपा करें कि भगवान ए जीव भगवान की तरफ मति लगे जीवों की, और शास्त्रों की तरफ उनका मन लगे, और संस्कार हमारे जो पूर्व संस्कार हैं वो लुप्त ना हो, सनातन धर्म की हमारे जो संस्कारें हैं वो लुप्त ना हो। ये भगवान से प्रार्थना मेरी कि ऐसी शिक्षाएं दी जाएं जिससे संस्कार बने रहें। तो सारे बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे और प्रहलाद महाराज अपने ध्यान में मग्न रहते थे, पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे। तो एक दिन जब कुछ दिन बीत गया तो प्रहलाद महाराज को शिष्य गुरु ने लेके आया घर में, माताएं ने उनको स्नान कराई, राजभेष पहनाई। कहीं हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि जो है तुम्हें गुरुओं ने जो तुम्हें शिक्षा दिया उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वह मुझे बताओ। तब प्रहलाद महाराज ने क्या बताया कि वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजा उच्चते तामसम दुत सदनम मन निकेतम तु निर्गुणम। बताते हैं वन में जाना मैं अच्छा समझता हूं, गुरु महाराज लिखते हैं। वन में जाना मतलब ये नहीं हुआ कि सभी लोग गांव छोड़ करके वन में चले जाएं, शहर छोड़ करके वन में चले जाएं। अगर सभी लोग वन शहर छोड़ करके वन में चले जाएंगे तो शहर वन हो जाए, शहर वन शहर बन जाएगा। इसीलिए कलयुग में साधुओं ने देखा कि ये लोग वनों में जाकर के साधुओं को चैन से नहीं रहने देंगे, इसलिए साधु लोग खुद वन से निकल करके शहरों में ग्रामों में आ गए कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं तुम्हारे लिए आ गए, इतनी कृपा की है साधु ने। तो बताते हैं वन सात्विक जो वास है वह वन में जाना ही अच्छा है। और ग्राम में रहना राजसिक है, और दूत क्रिया में निमग्न रहना यह तामस है, मेरे मत के अनुसार यह है। तो गुरु महाराज लिखते हैं ऐसा यदि सभी लोग करें तो जंगली पुनः गांव और शहर में बदल जाएगा। मैंने बताया अभी सात्विक रूप से आहार विहार आदि करते हुए वैराग्य के साथ अपने घर में रहना ही वन में जाने का वास्तविक तात्पर्य है, ऐसा समझना होगा। गुरु महाराज लिखते हैं कि सात्विक रूप से घर में रह करके भगवान का भोग निवेदन करिए, भगवान का भजन करिए, और आहार विहार सात्विक रूप से करके वैराग्य के साथ घर में रह करके भजन करें, यही सात्विक वास्तविक तात्पर्य है वन में जाने का, मेरी ऐसा समझ है, गुरु महाराज बताते हैं। प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं। तो जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु ने तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा हो गया और बोलता है लगता है कोई वैष्णव गुरुकुल में आना शुरू किया जिसके कारण इस प्रकार से हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, या जो शिक्षक हैं वही इसकी मति को भ्रमित कर रहे हैं। तो गुरुओं ने भय गुरुओं को डर हो गया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रहलाद जी का स्वाभाविक ये मति है, हम लोगों ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं घटी, घटने के बाद
प्रहलाद महाराज को ले गए। दोबारा वह लोग बड़े ही सतर्कता के साथ उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और प्रहलाद महाराज ने कुछ दिन वहाँ रहा। रहने के बाद उन्होंने जब घर पर ले वापस घर पर आए तो माता ने उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद पिताजी के पास गए और पिताजी उनको बड़े सास पिताजी को सभी जाते थे पिताजी के पास, तो साष्टांग प्रणाम करते थे और साष्टांग प्रणाम करके वह उठे। पिता ने उनको अपने गोद में बिठाया और उन्होंने जब दोबारा पूछा आपके गुरु ने, तुम्हारे गुरु ने क्या तुम्हें शिक्षा दी है, उसमें से जो अच्छा हो वह मुझे बताओ। तब उन्होंने बताया कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम जो श्लोक है इसके विषय में बताया। तब उसको गुस्सा आया, गुस्सा आया तो उठा के फेंक दिए। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, उठ के बैठ गए। तो हिरण्यकश्यप जो दैत्य लोग असुर गुरु थे दैत्यों के, वह घबरा गए। अब लगता है कि हम लोगों का ही सामत आया हुआ है, आज राजा हम लोगों को मारेगा। तब उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम लोग इनको लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके स्वभाव ही ऐसा है और हम लोग लेके जाते हैं, गुरुदेव आने वाले हैं, गुरुदेव के संरक्षण में इनकी जो है पढ़ाई लिखाई होगी। तो जब ये लोग गए उन गुरुगृह में तो कुछ लोग जो बच्चे लोग थे वो लोग खेलकूद रहे थे, और जब मालिक नहीं होता, कुछ टीचर लोग नहीं होते हैं तो बच्चे लोग उत्पात करते हैं, तो सारे बच्चे खेलकूद रहे हैं और टीचर लोग तो अपने भिक्षा में गए थे। तो प्रहलाद द्वारा ने सबको बुला करके उनको शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने जो तुम लोग हमें शिक्षा दी है और मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तब उन्होंने शिक्षा आरंभ किया और जब बताना शुरू किया तो उन्होंने बच्चों ने पूछा कि आपको ये शिक्षाएँ कहाँ से मिलती हैं, हम लोगों के गुरु और आपके गुरु तो एक ही हैं, जो शिक्षाएँ हमें दी जाती है वही शिक्षाएँ आपको भी दी जाती है, तो ये शिक्षाएँ आपको कहाँ से मिलती है। तब उसके प्रमाण के लिए प्रहलाद महाराज ने बताया कि जब मैं गर्भ में था तो ऐसे ऐसे घटना घटी थी, उस समय नारद मुझे ने मुझे सारी घटना माँ के घर में सुनाया था और मुझे माँ के आशीर्वाद से, माँ के प्रार्थना करने पर नारद जी के आशीर्वाद से मुझे सारी घटनाएं याद हैं। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने उनको बताते हैं तब वो जैसे ही आए, जब वो घटना सुना रहे हैं सारी, तो जैसे ही गुरु ने आया देखा सारे तो प्रहलाद के संग में, साधु के संग में, साधु संग करने से स्वाभाविक रूप से जो साधु संग प्राप्ति हो जाती है, भक्त बन जाते हैं, तो परम महान वैष्णव महाजम है, तो उनके संग में रह करके तो कोई भी भक्त बन सकता है, तो सारे लोग भक्त बन गए। अब वो गुस्से में ला करके इसको आप मारो, बहुत सी घटना है।
तो पहला रेणुकश्यपु ने सुना जब, तब प्रश्न किया उनसे, दोबारा जब प्रश्न किया तब उन्होंने बताया, न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्चते। बताते हैं गृहवती व्यक्ति की अपनी चेष्टा से कृष्ण में मति नहीं होती। बता रहे जो संसारी जीव है उसको उसकी अपनी चेष्टा से कृष्ण में मति नहीं होती। पाला जी के इस उस वाक का तात्पर्य क्या है, पाला जी के इस वाक्य का तात्पर्य क्या है इसके विषय में बताते हैं। गृह की जिस गृह ही जिसका व्रत है, अर्थात घर को केंद्र बनाकर जिसकी तमाम चेष्टाएं होती हैं उसको गृहवती कहा जाता है, अथवा चलती भाषा में उसको घर का पगला कहते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि घर में तो साधु वो साधुओं को भी रहते हुए देखा जाता है। उसके उत्तर में कहा गया कि बाहरी रूप से साधु गृह में रहते हुए भी गिरासक्त तो नहीं है, अथवा गृह में आसक्त नहीं है वह। इसलिए बताते हैं घर मात्र को घर नहीं कहते, वरन गृहिणी के रहने से घर वास्तव में घर कहलाता है। अर्थात गृहिणी को केंद्र करके, जो पत्नी को केंद्र करके, परिवार को केंद्र करके जो संसार चलाता है उसको गृह बोला जाता है, गृहवती बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति या इन जैसी सभी चेष्टाएं पत्नी को केंद्र करके की जाती है, परिवार को केंद्र करके की जाती है, उसको स्त्रैंग पुरुष या गृहवती बोला जाता है, मतलब जोरू का गुलाम बोला जाता है। और देही अर्थात जीवात्मा पंचतत्व स्थूल देह में सूक्ष्म मनोबुद्धि अहंकारात्मक लिंग देह है, इसलिए यह दो आवरण इसके लिए गृह सदृश ही है। बता रहे हैं जो दो शरीर है यह गृह शरीर घर के जैसा ही है, क्योंकि देही जो है ये दो शरीरों में व्यास करता है, इसलिए यह भी देही है। बता रहे हैं गृहवती गृहव्रती गृहासक्त हो या स्त्रैंग स्त्री का गुलाम हो या देहासक्त हो अथवा मनोधर्मी हो, इनकी अपनी चेष्टा से अथवा दूसरे गृहवर्तियों की चेष्टाओं के द्वारा कभी भी सारे मिल करके भी अगर चेष्टा करें तो भी कृष्ण में मति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुनाम श्रुतेन जमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैश्च आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। प्रवचन स्मरण शक्ति या पांडित्य के द्वारा उनको नहीं जाना जा सकता, भगवान को प्रवचन करने से और पांडित्य के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, एकमात्र भगवान के शरणागत होने से ही भगवान को जाना जा सकता है। इस प्रकार से बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर के नहीं जाने, ईश्वर कृपा ले सहय तत्व जहारे सहित ईश्वर तत्व जानी भरे पारे। यानी अनुमान और प्रमाण के द्वारा भगवान को, ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान की कृपा के बिना, भगवान की कृपा लेस जिसके ऊपर है वही ईश्वर तत्व को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, कभी हाथी के पैरों से कुचल रहे हैं, कभी सांपों से डंक करा रहे हैं, कभी पहाड़ से फेंक दे रहे हैं, कभी समुद्र में फेंक रहे हैं, कभी आग में जला रहे हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर बहुत से अत्याचार किया गया और प्रहलाद महाराज ने अपने उपदेश में कैसे कितने सुंदर शब्द कहे हैं, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतने दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। बोलते हैं बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं बचपन से ही भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, कारण मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अनित्य है,
किंतु हर प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यथा योग्य है। आगे बताते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोच्छचे अहेतुक्या प्रतित्यता यतन जजात्मा संप्रदति। अधोच्छज वस्तु में भक्ति जीव का श्रेष्ठ धर्म है, गुरु महाराज लिखते हैं, क्योंकि वह अहेतुक ही है, उसमें कोई कामना नहीं है, इसलिए वह भक्ति अप्रतिता है, अर्थात तेल की धारा की तरह निरंतर चलती रहती है। उक्त अहेतु की भक्ति के द्वारा ही आत्मा की सुप्रसन्नता होती है। अधोच्छज शब्द से अतिन्द्रिय यत्न विष्णु को ही इंगित किया जाता है, अथवा अधोच्छज शब्द सीधा अर्थ श्री कृष्ण। भागवत में भागवत से गुरुदेव लिखते हैं, एतावनैव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मितः भक्ति योगो भक्ति तत्नाम ग्रहणादिभिः। भगवान का नाम ग्रहण कितना रूप भक्ति योग ही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है। बहुत से लोग कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, लेकिन कर्म नहीं है, वो दुनिया का नहीं है। भगवान का भक्ति ही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वेद या विभाग करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि जी ने वेदांत और समस्त पुराण आदि की रचना करके सबसे अंत में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। नारद जी के द्वारा उपदेश में दी गई चार श्लोक वाली चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने 18,000 श्लोकों से विस्तार किया तथा कपटता रहित परम धर्म अर्थात प्रेम धर्म की अतुलनीय महिमा का वर्णन किया और परम शांति की प्राप्ति की। उसके बाद बहुत चेष्टा करने पर जब नहीं मरा, प्रहलाद को नहीं मार पाए, तब उन्होंने दैत्यों को बोलते हैं कि ये जो पुत्र है, जैसे शरीर में फोड़ा होने से फोड़ा का ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से कुल में अगर एक इस तरह से नालायक पुत्र उत्पन्न होने से उसको मार डालना ही अच्छा है, इसलिए तुम लोग क्या करो, इसको मार डालो। तब उन असुरों ने बोलने पर भी उनको मार नहीं रहे हैं, जब उसने बोला कि मेरे आदेश का पालन करो, इसको मारो, मार नहीं पा रहे हैं, बहुत से उत्पात किया, बहुत से तरह से मारने की कोशिश की, जब नहीं मार पाए, तब उस हिरण्यकश्यप बोलता है, तुम किसके बल से बलिवान हो? तब प्रह्लाद महाराज बताते हैं कि आप जिसके बल से बलिवान हैं, उसी बल से मैं भी बलिवान हूँ। तो बोलते हैं, वो कौन है? बोलते हैं, विष्णु। तो कहाँ है? वो तो सर्वत्र है। तो क्या इस खंभे में? बोला हाँ। प्रह्लाद हिरण्यकश्यप ने खंभे में है, इस प्रकार से तू डिंग हांकता है, कह करके अपनी प्रशंसा करते हुए, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं, जिस पर इतना भरोसा, वह श्रीहरि आगत तेरी रक्षा करे। हिरण्यकश्यप क्रोध से अंधा हो उठा था, तर्जन गर्जन करते हुए हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद करके बड़े जोर से खंभे को एक घूसा मारा। जब एक घूसा मारा, उस समय भगवान खंभे से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? कि भक्त ने बोला खंभे में है, इसलिए भक्त के आदेश का पालन करते हुए भगवान ने खंभे से प्रकट हुआ। इसलिए भागवत में बताते हैं, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात् अत्यद्भुतं रूपं उद्वहन
स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यपु भगवान के विषय में बताते हैं भगवान श्री हरि प्रहलाद के वाक्य को तथा अपनी सर्वव्यापकता, मैं सब जगह हूँ, इस प्रकार से उन्होंने सच करने के लिए पशु और मनुष्य अति अद्भुत रूप धारण करके दैत्य के रूप दैत्य के सामने दैत्याघात अति भीषण रूप धारण करके सभा में खंभे से प्रकट हो गए। निज सेवक ब्रह्मा के वाक्यों और ब्रह्मा के वाक्यों को भी, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने हर प्रकार से अपनी मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना किया था ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने उसी अनुसार उसको वरदान दिए थे। तो पशु तथा ब्रह्मा के श्रेष्ठ किसी भी प्राणी द्वारा अंदर बाहर अस्त्र शस्त्र मृत्यु नहीं होगी। और भगवान बताते हैं ना मे भक्त पुनर्षति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। एवं इंद्र के प्रति नारद की युक्ति अंतरेर भक्त पलाद अबध्य इत्यादि वाक्यों को सच करने के लिए भगवान नरसिंह देव रूप से प्रकट हुए थे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और भगवान ने प्रकट हुए, प्रकट तो हो गए थे, दोपहर में ही हो गए थे, लेकिन संध्या के समय, इसलिए गोधूली के समय में दरवाजे पर नहीं बैठा जाता। और गोधूली के समय भगवान ने उनको अपने युद्ध किया, दोपहर से लेके संध्या तक युद्ध होती रही। देवता लोग परेशान है कि युद्ध कब खत्म होगा, अब मारेंगे। कभी भगवान, क्योंकि भगवान अपने वीर रस का स्वादन कर रहे हैं अपने भक्त के साथ, इसलिए भगवान अवतीर्ण हुए। तो जब संध्या हो गया, गोधूली का टाइम हो गया, तब भगवान ने अपने जंघे पर बिठाया और हिरण्यकश्यपु को सारे उसके वरदान याद कराए। तुमने जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया वो सब याद कर ले, न अभी शुद्ध दिन है न रात है, न तू आकाश में है न धरती पर है, मेरे गोद में है, संध्या के टाइम है, न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नाखून है तेरे मेरे अस्त्र, और मैं ब्रह्मा की सृष्टि का भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ और ब्रह्मा की सृष्टि का कोई प्राणी भी नहीं हूँ मैं। सब कुछ वरदान याद करा करके तब भगवान ने उसके पेट को चिरा और चिड़ करके उसके जितनी भी अथड़ी थी गले में ले लिया और गुस्से में जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब जितने भी देवी देवता शिव आदि थे, ब्रह्मा आदि लक्ष्मी तक आकर के भय डर के मारे दूर में खड़ी हैं, किसी की हिम्मत नहीं कर रहा है कि सामने आवे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद जी गए, उनकी स्तुति किए और उन्होंने भगवान ने उनको नाखूनों से किस प्रकार से उनको आदर प्यार करेंगे, इसलिए उन्होंने जिह्वा से अपने प्यार कर रहे हैं। और बोलते हैं प्रहलाद मुझे आने में बहुत देरी हो गई। प्रहलाद की स्तुति से उन्होंने प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी भी स्तुति किए, ब्रह्मा जी को शासन किया ऐसा वरदान कभी किसी को मत देना। उसके बाद जो है वहाँ से भगवान प्रहलाद जी को राज्य सिंहासन पर बैठाए और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बताया कि यहाँ पर जो नरसिंहपल्ली है कृष्णानगर में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में नरसिंहपल्ली या देवपल्ली बोलते हैं, वहाँ पर भगवान ने अलकनंदा नदी है, वहाँ पर आकर के उन्होंने हाथ धोया। मंदाकिनी नदी है अलकनंदा नहीं, मंदाकिनी नदी, वहाँ पर उन्होंने हाथ धोया और वहाँ पर विश्राम किया। उस विश्राम के टाइम में देवताओं ने आकर के उनकी अर्चन की, पूजा की, आरती की, इसलिए वहाँ का नाम नरसिंहपल्ली भी है और देवपल्ली भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान अवतार लिए अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए भगवान अवतरित लेते हैं और अवतार लेकर के भक्त के हृदय में जितने भी अभद्रता आती है, विघ्न आते हैं, उसको दूर करते हैं।
ये उनका प्रमाण है। जो भी है, बहुत टाइम हो गया आप लोगों का लिया मैंने, आप लोग कृपा करके यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और चर्चाओं को पूरा सुनते रहिए, आपको चर्चाएं मिलती रहेंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।